तो भाई आगे की जो कार्रवाई होगी वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। भिन्न भिन्न तरह की वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई है, जिन लोगों के पैसे उन्होंने खाए हैं, जैसे अब भी फोन आ रहा है, हर नुकन लग रहा है, सुसरा खाम रहेगा, मर जाओगे और क्या होगा। तो ये लोग दुखी तो हैं, क्योंकि जिसका जड़ते ही कमाई गई, सारी मतलब पूरी उम्र की जो कमाई है वो उसको दे दी, वो गई। कल न इसने घर में कोई भी दिक्कत आ गई, कोई लड़की बहनी है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो ये भाई चश्मे वाला पैसे देगा नहीं। कारण इस दो रवि रुपये सह नहीं, क्यों भैया ये बात सह? जमा खाली कर गया भाई, साहब खाली खाली कर गया यार, गांव में कुछ नमस्ते अंकल जी, थोड़ा सही हो गया। मैं साहब फौज में था, पूरी मेरी सर्विस की कमाई मैंने आड़े दी है, और मैंने भी लड़की की शादी है, और लड़की की शादी के कारण मैंने उस पर भी 10 दिन पहले बोला था कि साहब मेरे पैसे दे दो, लड़की की शादी है, मकान भी नहीं बना। मैंने प्रश्न आके ना मैंने सोचा कि मैं लड़कियाँ बच्चे शादी करूँगा, और उसने कहा कि ठीक है मैं तेरे पैसे अभी 15-20 तारीख को मैं दे दूंगा। सबको यही बोला है उन्होंने, जो भी रुपए लेने गया था 10-1 दिन में दे देंगे। हां 10-1 दिन में दे देंगे, 10-15 तारीख में दे देंगे। हां साहब, तो मेरी तो साहब का टारगेट कम से कम भी 150 करोड़ रुपए देने। 22 साल की कमाई पूरी फौज की मेरी इस्ती दे दी मैंने, है मेरा 25 लाख रुपया इसके पास जा रहा है। पंडित जी हूँ जी, उसके परिवार से हूँ, उसका जी सामने उसके घर का शामी घर है जी मेरा। ऐसा नहीं हो सकता, वो इस वीडियो ना देखे, देखेगा जरूर, देखेगा केक होगा उसका, बताओ उसका नाम उसका केक। मैं जी उसको यही कहूँगा केक पर आ जाओ, और इसका देश का अपना गांव का गुआंड का जितना भी पैसा है सबका धीरे धीरे करके दे दो, कोई इतना कुछ नहीं कहेगा गांव राम, एक बतू आके न और अपने परिवार में मिल ले, और तन कोई भी कुछ नहीं कहेगा न, एक सबका हिसाब किताब हो जाएगा, किसी का धीरे हो जाएगा, किसी का हो जाएगा। कदे सच्चे उड़े वो जा रहा वैष्णो देवी वापस आता हो, कदे योगा वैष्णो देवी का तो जिन्हू है उसने वहाँ पर सीम बंद हो जाए हैं, मैं भी फौज में रह रहा हूँ, कटवत आगे जाते सीम बंद हो जाए हैं, पर वैष्णो देवी भी जा रहा होता तो वो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेच के जाता, होगी प्रॉपर्टी उसके परिवार के नाम भैया के नाम करवा दी, तो महाराज तसल्ली नहीं है कि वैष्णो देवी जा रहा है, वो तो गांव का पैसा अड़प करके कहीं गया है, विदेश गया या कहीं भी इंडिया में छुपया बैठा है। आपने अकेला गए अंकल जी, मतलब आप उसको जानो दे आपके? मैं उसको बिल्कुल ना जी, पहले बिल्कुल नहीं था ना भाई, जो कुछ दिन से ऐसा उसका हो रहा था कि वो जिसको पैसे दे दिए तो अड़प, उसके बाद में किसी ने गेहूँ बेचे हैं या धान बेचे हैं उसका भी पैसे भी नहीं दिए ने उसको, क्या था उसको इतना पैसा आएगा उसके पास महीने में 20 दिन में पैसे दे दूंगा, इतना पैसा आ गया था उसके पास 1.5 साल के अंदर, जो लाइन रेलवे लाइन निकली उसका पैसा, भाई कोई रिटायरमेंट आया है कोई कैसे कैसे करके उसके पास इतना पैसा आ गया, वो लोगों के पास जैसे उसका चलता 1.5 रुपये, भाई 1.5 रुपये में हम उसको देते थे, वो लोगों को 2 रुपये देता था, उसका पैसा आगे जाना बंद हो गया, वो पैसा इकट्ठा होता गया, ब्याज बढ़ता गया, उन्हें सोचे भाई ब्याज इतना कैसे पड़ेगा कि उसका पैसा इकट्ठा हो गया कहीं यूज नहीं हुआ, तो उसने ये प्लान बना लिया भाई भागने का। एक तो उस पर 10 लाख रुपये थे, 10 लाख जिसके वो लेन जाना उसकी 5-10 मटा देना लग है कि काम भी उस पर ले रहा था रुपये, ऐसा भी है? हाँ जी, कुछ आदमी उस पर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं मतलब बहुत कम परसेंट ले रहे हैं, कोई लेगा 5,000 ले गया, कोई मजदूर ले गया 2,000 ले गया, कोई 10,000 ले गया, मतलब ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं ले रहे ना जी, ज्यादा पैसे नहीं ले रहे, पूरा गांव में नॉर्मल 10 करोड़ रुपया ले रखा है, नॉर्मल 10 लाख इससे ज्यादा तो नहीं, 10-10 हजार मसा देवा था आंख बनवाण खातिर, मरूंगा ही मैं, ये देख लो पैसा वैसा तो देखी जाए, कुछ गांव में ऐसी हालत हो रही है कि हार्ट अटैक भी होने का है, कोई रोटी नहीं खा रहा, क्योंकि रिश्तेदारी में तो भी पैसे ले आके दियोड़े हैं, लड़की ब्याहनी थी, इब उनकी लड़की ब्याहन की हो चुकी है, शादी की वो आ रही है तारक, लेकिन वो भाज गया यार, कुछ आदमी अगर प्रशासन ने ढील बरती तो कुछ आदमी हार्ट अटैक होके बड़े मरने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये अंकल जी हैं ये बड़ा बता रहे हैं कि मैं मरने की कगार पे खड़ा हूँ, क्यों था जी? बिल्कुल खड़ा हूँ जी, 10 लाख दे रहा था, 2 बीघे जमीन थी वही बेच दी, अब मैं क्या खाऊंगा ये सोचो आप, आज मेरी रोन लाग रहे अंकल जी, आज मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी चोरी के लिए भी पैसे नहीं इसके पास, जब कैरी बैग की थैली 5 किलो की 130 रुपये में आती है, कहाँ से ले आऊँगा, और नमक आटा सब कुछ चाहिए है, क्या नहीं चाहिए हमें,
देखो ऐसे हालात पंडित जी, इस गांव ने आप पे बहुत बड़ा विश्वास कराया है और इसका विश्वास तोड़ना आपको शोभा नहीं देती। आप इतने बड़े ब्राह्मण परिवार से वास्ता रखते हो, पूरी उम्र की कमाई, एक फौजी, एक फौजी जिसने इस देश की सेवा करी, तेरा पड़ोसी, तेरा भाई जिसने अपनी पूरी उम्र की कमाई आपको दे दी, अब लड़की की शादी करनी है, आपकी तरफ देखने लग रहा है, क्या कहेगा ये? ये आप लोगों को सिर्फ को बद्दुआ देंगे और वो आपको, मेरी बात सुनता हो तो भाई सुरेश तुम आ जा, तने कुछ नहीं कहेगा कोई भी, ये मेरी गारंटी है। और मैं देश की सेवा करके आ रहा हूँ तो मैं तेरी भी सेवा करूंगा। तो परिवार में जैसे जो बच्चे हैं, हाँ जी, आपके जो लड़के हैं, हाँ जी, जो फैमिली है, हाँ जी, वो आपको क्या कहे हैं? वो नहीं कहे जी, यो आपने क्या करा, यो तो बहुत गलत कर दिया, ये लड़की रोवे है, ये पढ़ाई के लिए मेरे पर खर्चा नहीं है, लड़की MSc करे मेरी और उसकी शादी करनी है, वो पैसा नहीं मेरे पास में, ये मैं लड़की को पढ़ाई तक के पैसे नहीं दे सकता, ने शादी तो कहाँ कर पाऊँगा उसकी मैं जी। तो भाई हर आदमी भावुक है, हर आदमी की आंखों में आंसू हैं, हर मानस रोन लग रहा है। इस गांव का जो आपने विश्वास तोड़ा है उसको वापस बना लो, आप आओ, आप पूरे नहीं हो, थोड़े थोड़े करके दे दो, साल में, दो साल में, दस साल में आप दे दियो। पूरा गाँव ये कह है कि भाई पंडित जी सुरेश आप आ जाओ। तो भाई हम तो अंकल जी वीडियो बना सके हैं, वीडियो आम पब्लिक तक पहुंचा सके हैं, पुलिस के सामने वीडियो बना सके हैं, सिर्फ हमारा काम ये है। बाकी सुरेश पंडित जी अगर आप ये वीडियो देखो तो इस गांव पर दया करो और आ जाओ, क्योंकि पाप फलेगा नहीं फूटेगा। तो बस सारे भैया ने एक बार और पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार।